बुधवार देर शाम सिकंदरा स्थित सालासार बालाजी मंदिर का 19वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री सालासार बालाजी महाराज के स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने बालाजी महाराज के सामने अपनी हाजिरी लगाई। बुधवार देर शाम सिकंदरा स्थित सालासर बालाजी मंदिर का 19वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री सालासर बालाजी महाराज के स्थापना दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों ने बालाजी महाराज के सामने अपनी हाजिरी लगाई। बता दें कि राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का पहला श्री सालासर बालाजी मंदिर ताजनगरी के पश्चिमपुरी में स्थित है। जी हां, ताजनगरी के प्रतीक विहार फेज 2 में श्री सालासर बालाजी साक्षात विराजमान है, जहां मंदिर के 19वें स्थापना दिवस के मौके पर भगवान के दर्शनों के लिए ताजनगरी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग शहरों एवं राज्य के लोग भगवान के दर्शनों के लिए यहां पहुंचे। इस दौरान भक्त पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से श्री सालासर बालाजी महाराज के मंदिर के स्थापना दिवस को लेकर भव्य तैयारियां की गई थी। पूर्व मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, साथ ही भगवान के लिए फूल बंगला और भक्तों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने अपनी हाजिरी लगाकर भगवान की प्रसादी ग्रहण की। सालासर बालाजी से इसकी मान्यता अखंड ज्योति है और वहाँ के पुजारियों ने आके इसकी स्थापना की है। और यहाँ पर आप कोई भी अगर मनोकामना मांगते हैं तो यह नारियल बांध दीजिए, वो नारियल जब गिर जाएगा तो मान्यता आपकी अपने आप पूरी हो जाएगी। आज क्या कुछ कार्यक्रम है जी? आज क्या कार्यक्रम है? आज स्थापना दिवस है, जिसमें भंडारा और फूल बंगला जो है वो सजाया गया है और बाकी तो भक्तों की सब मदद से सारे मंदिर की काम वगैरह सब चलते हैं। और आज मंदिर के 19 साल हो गए हैं स्थापना हुए। मुख्य पुजारी सालासर ने यहाँ स्थापित किए थे बालाजी महाराज और बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर। आज 56 भोग फूल बंगला और भंडारे का आयोजन है, आप देख रहे हैं काफी भीड़ हो रही है। करीब 19 वर्ष पुराने इस सालासर बालाजी महाराज के मंदिर का अपना महत्व और अलग मान्यता है। बता दें कि 19 साल पहले इस मंदिर की स्थापना रामकुमार मिश्रा द्वारा की गई थी, जिसमें सालासर बालाजी महाराज की स्थापना मुख्य सालासर मंदिर के मुख्य महंत गौरी शंकर पुजारी के द्वारा की गई थी। प्रदेश के इस पहले श्री सालासर बालाजी महाराज के मंदिर की अपनी अपनी अलग मान्यताएं हैं। काफी भक्तों का कहना है कि जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से श्रीफल चढ़ाकर जो भी मन्नत मांगता है, वह मन्नत अपने आप भगवान की इच्छा से पूरी होती है। साथ ही इच्छा पूरी होने के बाद श्रीफल अपने आप टूट कर गिर जाता है, जिसके चलते मंदिर में सभी श्रीफलों का अंबार लगा रहता है। यही कारण है कि भक्त श्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ आते हैं, लेकिन हर साल मंदिर का रूप और स्वरूप भव्य होता जा रहा है। साथ ही साथ मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।